Thank you.
अभी कुछ दिनों पहले हमने ईद के आमतौर पर मसीह को मनाया। मेरा ईमान है कि सबने अच्छे अच्छे कपड़े पहने होंगे, सबने डिफरेंट किस्म के सेंट्स लगाए होंगे और घर में बहुत अच्छे अच्छे खाने पकाए होंगे और कुछ जगहों पर थोड़ा सा पैसों का बोझ भी रहा होगा, क्योंकि ऐसे मंथ के स्टार्ट में रिजरेक्शन डे हमने मनाया। तो अब हम सब खुदावंद यीशु मसीह के जी उठने की कुदरत, जिसके लिए पौलुस रसूल कहता है काश मैं उसके जी उठने की कुदरत को जान सकता। पौलुस रसूल जिसके लिए कहता है ताकि मुर्दों में से जी उठने की नौबत तक पहुंचू। आइए हम सब मिलकर तालियां बजाते हुए खुदा की हम तुम्हें गीत गाएंगे। तालियां बजाओ उनको प्रभु के यीशु के नाम।
बचपन जाना कर रहा है। उसे एक क्वेश्चन हुई, उसने कहा कि दुनिया की जितनी कब्रें हैं उन पर यह अथवा लिखा हुआ है कि यहां पर ये मुर्दा पड़ा है, लेकिन मेरे और आपके मुनजी कब्र पर लिखा है He is not here, वो यहां पर नहीं है, क्योंकि वो अपने कॉल के मुआफिक जी उठा है, वो जी उठा है, कोई और नहीं जी उठा, सिर्फ एक है जो मुर्दों में से जी उठा। और हाँ, कलीसिया को जो उस वक्त मसीह में सोते हैं खुदावंद उनको भी उठाएगा। आइए अपने सरों को झुकाएंगे और मैं चाहूंगा कि मेरे साथ रावण पीढ़ी से मेरे छोटे भाई रामेश्वर साथ हैं, मैं चाहूंगा कि वो जरा दुआ में रहनुमाई करें।